हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्पिरिचुअल एनलाइटेड माइंड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारी ऑरा को मजबूत कैसे बनाएं, स्ट्रांग कैसे बनाएं, हाउ टू स्ट्रांग और ऑरा। फ्रेंड्स, ऑरा और कुछ नहीं, हमारा मन है, मन का प्रतिबिंब है। आपको अपनी ऑरा स्ट्रांग करनी है तो सबसे पहले आपको अपने मन को स्ट्रांग करना होगा। ऑरा और कुछ नहीं, हमारे मन का ही प्रतिबिंब है। आप जो भी कुछ सोचते हो, बोलते हो, सुनते हो, यही सब हमारे मन पर प्रभाव डालता है और यही हमारी ऑरा को इफेक्ट करता है। फ्रेंड्स, हमारी ऑरा को स्ट्रांग करने के लिए हमें स्पेशली कुछ नहीं करना है, बस हमारी जो डे टू डे लाइफ हम जी रहे हैं उस पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत से तरीके बता रही हूँ ऑरा को स्ट्रांग करने के। आपको जो भी समझ में आए वो आप ज़रूर करना और अपनी ऑरा को स्ट्रांग ज़रूर करें। पहला तरीका है सॉल्ट बाथ। ऑरा को क्लींज करने का बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए आपको नहाने के पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक या समुद्री नमक डालना है और नहाते वक्त इमेजिन करना है कि इस सॉल्ट वाटर से मेरी सारी निगेटिविटी क्लींज हो रही है, मेरी ऑरा में जितनी भी गंदगी है वो साफ हो रही है। आपको महसूस करना है कि पानी की एक एक बूंद के साथ मेरी ऑरा क्लींज हो रही है, मेरी ऑरा की सारी निगेटिविटी दूर हो गई है। और इसके बाद सादे पानी से ज़रूर नहाना है क्योंकि नमक बॉडी पर नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यह काम आपको ज़रूर करना है। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक गैजेट। इलेक्ट्रिक गैजेट का हमें कम से कम इस्तेमाल करना है, अर्थात जितना ज़रूरी हो उतना ही। टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी के ज़्यादा इस्तेमाल से हमारे दिमाग में नॉइज़ पोल्यूशन हो जाता है जो हमारी ऑरा को इफ़ेक्ट करता है। प्रीफर कीजिए कि अगर आपके पास वक्त है तो अच्छी बुक्स पढ़िए, इससे हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी जो हमारी ऑरा को स्ट्रांग बनाने में मदद करेगी। तीसरा तरीका है हमारे घर के मंदिर में जो घंटी होती है उसे ज़रूर बजाएं। फ्रेंड्स, घंटी की जो साउंड है उससे हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों की निगेटिविटी दूर होती है। और घंटी घर के हर कमरे में जाकर बजाएंगे तो हमारे घर की निगेटिविटी दूर हो जाएंगी। घर में पॉजिटिविटी का होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि यह भी हमारे ऑरा को इफ़ेक्ट करता है। अगला तरीका है आप किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद या गुरुद्वारा हो या चर्च। फ्रेंड्स, धार्मिक स्थल पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, इसलिए आपको धार्मिक स्थल पर जाते रहना चाहिए। वहाँ पर जाइए, प्रभु को प्रणाम कीजिए और थोड़ी देर बैठ जाइए। फ्रेंड्स, आपका मन, आपकी ऑरा पॉजिटिविटी से भर जाएगी। अगला तरीका है आप अपने घर में जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता हो वह थोड़ी देर जरूर बजाएं। वह मंत्र हमारे घर में पॉजिटिविटी को बढ़ा देगा। सुबह सुबह जब मंत्र हमारे कान में जाते हैं ना, तो हमारे मन में अलग ही वाइब्रेशन होती है जो हमारी ऑरा को स्ट्रांग बनाती है। अगला तरीका है ओम चेंटिंग। फ्रेंड्स, ओम चेंटिंग में बहुत ताकत होती है। यह हमारी वाइब्रेशन को पॉजिटिव बनाता है। हमारे दिल, दिमाग, हमारी सोल सभी पॉजिटिविटी से भर जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, ओम चेंटिंग करना कभी ना भूलें, चाहे आप 5 मिनट ही क्यों ना करें। अपने ऑरा को स्ट्रांग बनाने के लिए हमें हमारी ऑरा को शुद्ध भी करना होता है, मतलब निगेटिविटी को हटाना भी होता है। फ्रेंड्स,
इसके लिए आपको क्या करना है, कोई भी स्मस्टिक ले ले, धूप ले, हर्ब ले, जो भी आपके पास हो उसको अपने चारों तरफ घुमाएं। मन में यह इंटेंशन रखें कि मेरी सारी निगेटिविटी दूर हो रही है, मेरी ओरा एकदम स्ट्रांग हो गई है, मेरी ओरा एकदम शुद्ध हो गई है। फ्रेंड्स, हर समय पॉजिटिव रहने की कोशिश करें, पॉजिटिव सोचने की कोशिश करें, वह सब काम करें जो आपको पॉजिटिव बनाता हो, आपके मन को खुशी देता हो। फ्रेंड्स, अगला तरीका है बारिश में स्नान करना। कुछ देर के लिए बारिश में जरूर भीगे। फ्रेंड्स, यह भी हमारे आभा मंडल को स्ट्रांग बनाता है। अपने प्रभु से जुड़े रहे, पूजा पाठ करें, मंत्र चैंटिंग करें, रोज आरती करें और वह आरती पहले प्रभु को दे फिर स्वयं ले। रोज प्रभु को बार बार शुक्राना करें, बार बार धन्यवाद दे। आज आपके पास जो भी है वह प्रभु के कारण ही है, तो आपको प्रभु को तो धन्यवाद देना जरूर बनता है। बार बार करें, बार बार थैंक यू बोले, बार बार शुक्रिया करें। फ्रेंड्स, आपका मन, आपकी सोल पॉजिटिविटी से भर जाएगी, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल चमक उठेगा। थैंक यू।